और हमारे यहां कहा गया कि जिन शासन की जितनी साधना, जितनी आराधना, जितनी क्रिया, जितना तप, जितना त्याग, जितना कुछ है, मात्र मात्र एक ही लक्ष्य के लिए, सिद्ध बनने के लिए, मोक्ष नगरी को प्राप्त करने के लिए, शिवपुरी को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष में जाने के लिए, सिद्ध शिला को प्राप्त करने के लिए, हमारे यहां बताया गया जितनी आराधना साधना हम जीवन में करते हैं उसका एक ही लाभ है, हमें परंपरा से सदगति मिल जाए, परंपरा से मोक्ष प्राप्त। और कहते हैं चिनाले क्यों जाना, मंदिर जाने की जरूरत क्या है, और इतने सालों से मंदिर जाने के बाद में भी हमें मिला क्या, हमें प्राप्त क्या हुआ, हम क्या हासिल कर पाए, इतने सालों साल से मंदिर जा रहे हैं लेकिन हमें मिला क्या, हमें क्या हैप्पीनेस मिली, हमें क्या आनंद मिला, हमें क्या भीतर की प्रसन्नता मिली, हमें क्या मन की शांति मिली, क्या हमारी आदि व्याधि उपाधि दूर हुई, क्या हमारी तकलीफ दूर हुई, क्या हमारी परेशानियां दूर हुई, हमें मिला क्या, हमें प्राप्त क्या हुआ, ये बड़ी सोचने वाली बात है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने लिखा कि कोई भी मंदिर में जाने से पहले चार चीजों का होना बड़ा समझ लीजिएगा। आज जब सिद्ध पद की आराधना, सिद्ध बनने की हमारी यात्रा है, सिद्ध बनने की हमारी साधना है, हम मंदिर तो चले जाते हैं, मंदिर तो हम प्रतिदिन जाते हैं, लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि वहां जाने से पहले चार चीजों का होना जरूरी है, और यदि चार चीजों के साथ में हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाना हमारा सार्थक हो जाता है। सबसे पहले नंबर में बताया भाव, क्या बताया, क्या बताया, भाव। जब तक भीतर से भावों से जुड़कर नहीं जाओगे तब तक मंदिर जाना बेकार है। हृदय के भाव, भाव कौन से, हृदय के भाव। जब जब भी मंदिर जाए तो निश्चित तौर पर यह भाव से जाया जाए, भाव पूर्वक यदि मंदिर जाया जाए तो निश्चित तौर पर वो मंदिर जाना हमारे लिए सार्थक हो सकता है। वरना अभी तक हजारों लाखों बार मंदिर चले गए, अभी तक हजारों लाखों बार हमारे जिनाले में चले गए लेकिन प्राप्त कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं भावों की कमी। हमारा जिन शासन तो भाव प्रधान है, हम प्रतिदिन बोलते हैं भावे भावना भावीये, भावे दीजिए दान, और भावे जिनवर पूजिए, और भावे केवल। हम प्रतिदिन बोलते हैं कि भाव के बिना मंदिर गए तो गए कहां, भावों के बिना मंदिर जाया जाए तो मंदिर जाना निरर्थक है, मंदिर जाना बेकार है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, समझ लेना, चार चीजों के साथ में यदि हम मंदिर जाते हैं, यदि हम जिनालय में प्रवेश करते हैं तो जिनालय गया हमारा सार्थक। पहले नंबर में भाव, दूसरी बात करते दूसरे नंबर में प्रभाव, हृदय के भाव, परमात्मा का प्रभाव। हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमारे अरिहंत परमात्मा कैसे हैं। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, नमोत्थुनम सूत्र कितनों को आता है, नमोत्थुनम आपको आता है, सकृत्स्थ नमोत्थुनम जिसको हम कहते हैं उसके अर्थ आपने पढ़े हैं, सूत्र तो आपको आता है, सबको आता है, चलो, लेकिन उसके अर्थ हमने कभी पढ़ने की कोशिश करी, उसके भीतर में जाने की कोशिश करी कि परमात्मा को कैसे कैसे उपमा दी गई है, कैसे कैसे विशेषणों से नवाजा गया है, परमात्मा के लिए क्या क्या लिखा गया है, क्या परमात्मा का प्रभाव है। अरे जब बोलते हैं जिन्नानम जाव्याणम तिन्नानम तारयाणम बुद्धाणम बोहयाणम मुत्ताणम मोगाणम, तब भीतर से भाव जगने चाहिए कि परमात्मा आप खुद तो तीर्थंकर बन गए लेकिन आप स्वार्थी नहीं हो, आप दूसरों को तीर्थंकर बनाने वाले हो, परमात्मा आप खुद तिर गए लेकिन दूसरों को तारने वाले हो, हे परमात्मा ऐसे अद्भुत परमात्मा को मैं वंदन करता हूं। अरे ऐसे अनेक उदाहरणों के साथ में नमोत्थुनम सूत्र के माध्यम से परमात्मा का प्रभाव बताया गया, अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से, अलग अलग शास्त्रों के माध्यम से हमारे यहां कहा गया कि क्या अरिहंत पद की ताकत है, क्या सिद्ध पद की ताकत है। अरे जब तक निगोद में से एक जीव को बाहर निकलना हो तो सिद्ध, जब तक एक आत्मा यहां से सिद्ध नहीं बनता तब तक हम शायद वो निगोद में से बाहर भी नहीं निकलते। हमने कभी प्रभाव को नहीं जाना। आपको पैसों का प्रभाव बराबर पता है, पता है कि नहीं पता, उसका प्रभाव बताने की जरूरत नहीं पड़ती, और जरूरत नहीं पड़ती इसीलिए आप उसको वेस्ट नहीं होने देते। 10 रुपए भी
वेस्ट हो जाए तो दुख होता है कि नहीं होता है? 100% होता है, क्योंकि प्रभाव पता है। आपको पता है कि 10 रुपए से मेरे लिए कोई चीज आ सकती थी, मैं कोई चीज को खरीद सकता था, कोई चीज मुझे प्राप्त हो सकती थी, मेरे लिए ये 10 रुपए काम आ सकते थे, क्योंकि आपको प्रभाव पता है, आपको संबंधों का प्रभाव पता है, आप रिलेशन मेंटेन करके रखते हो अधिकारियों के साथ, शहर के अच्छे लोगों के साथ, शहर के सुखी संपन्न लोगों के साथ रिलेशन मेंटेन करके रखते हो, क्योंकि आपको पता है संबंधों का प्रभाव है। कभी कभार कहीं अटक गए, एक फोन से अपना काम हो जाए। संपत्ति का प्रभाव आपको पता है, संबंधों का प्रभाव आपको पता है, शरीर का भी प्रभाव आपको पता है। आपको पता है कि शरीर जब तक जीवंत रहेगा तब तक बेहतर रहना, अच्छा रहना, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए शायद आप रोज वॉक करने जाते हो, शायद आप शरीर को संभालते हो, खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखते हो, थोड़ी परहेज करते हो कि शरीर हमारा सुव्यवस्थित रहे। मैं आपको ये कहता हूं, आपको हर चीज का प्रभाव पता है, लेकिन परमात्मा का प्रभाव क्या? मंदिर गए, क्या निकले? कई लोगों को देखकर मुझे ताज्जुब होता है कि मंदिर ये लोग आते ही क्यों है। जैसे घूमने आए हो, एक चक्कर निकाल लगा करके, हाथ जोड़ करके निकल गए, पता ही नहीं कौन से भगवान, कौन से भगवान की आंगी। अरे अभी तक यहाँ कई लोग ऐसे होंगे जो इतने देव देवी है, शायद पता नहीं होगा कि कौन से देवदी कहाँ विराजमान है। हाथ जोड़ लिए, दर्शन कर लिए, निकल लिए, अपना काम हो गया। प्रभाव को जानो, और बिना प्रभाव जाने भाव नहीं आएगा, समझ लेना। आपको जब परमात्मा का प्रभाव पता चलेगा तो आपके भीतर भाव जागृत होगा, लेकिन परमात्मा का प्रभाव पता नहीं है तो भीतर में भाव नहीं आएगा। आप कहते हो गुरु भगवान परमात्मा के पास जाते भाव नहीं आता, कहां से आएगा? आपको प्रभाव का पता ही नहीं। क्या परमात्मा का प्रभाव है, क्या परमात्मा की शक्ति है, आप जानते ही नहीं हो। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, पहले नंबर में भाव, दूसरे नंबर में प्रभाव, तीसरे नंबर में अभाव। कौन सा अभाव? तो कहते हैं कि संसार का अभाव। जब तक संसार को छोड़ के मंदिर में नहीं जाओगे तब तक मंदिर गया नहीं रहता। इसीलिए हमारे, अभी मैं बात बताऊंगा, निश्चय ही की बात हमारे यहां पे बताई गई है कि जब जिनालय के मूल द्वार पर आप जब प्रथम निश्चय ही बोलते हो तो संसार की सभी बातों का त्याग करना है, क्योंकि जब तक संसार का अभाव ना हो तब तक आप निश्चित तौर पर जिनालय जाकर के भी वहीं पर भी आपका संसार चलता है। कौन आया, कौन गया, किसने कैसे कपड़े पहने, कौन कैसी पूजा करता है, सालों से आप पूजा करते करते आसाधना करते होगे, उसका आपको पता नहीं, लेकिन बाजू वाला पहले दिन आके आसाधना करेगा उसका आपको पता है। हम इतना दूसरे में व्यस्त रहते हैं, इतना दूसरे में रत रहते हैं, इतना दूसरे में डूबे हुए रहते हैं कि हमें खुद की कुछ पता नहीं। और इसलिए कहा कि समझ लेना, अभाव सर्वथा संसार का त्याग। मन से, कहां से? शरीर से तो आप संसार घर छोड़ के यहां मंदिर में आ गए, लेकिन कहां से त्याग? कहां कि यहां से, मन से। जब संसार निकले तब परमात्मा के पास जाकर के हम कहीं ना कहीं कुछ प्राप्त कर पाए, तब परमात्मा के पास जाकर के कुछ हमें मिल सकता है, वरना नहीं मिल सकता। अरे हमारे यहां तो कहा गया कि परमात्मा तो चार्जिंग पॉइंट है। आप प्रतिदिन मोबाइल को चार्ज करते हो कि नहीं करते हो? करते हो या ना करते हो, लेकिन करना पड़ता है। मोबाइल को चालू रखना है, जीवंत रखना है, तो उसको क्या करना पड़ता है? चार्ज करना पड़ता है। ये परमात्मा हमारे चार्जिंग पॉइंट है। यदि हृदय को जीवंत रखना है, यदि मन को समाधि में रखना है, मन को शांति में रखना है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि दुनिया में एक ही चार्जिंग पॉइंट है जहां जाकर के हम खुद चार्ज हो जाते हैं। मोबाइल का चार्जर है, टीवी का चार्जर है, लैपटॉप का चार्जर है, हर चीज का चार्जर है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे खुद का चार्जर कौन सा? ये परमात्मा ऐसे चार्जिंग पॉइंट है। परमात्मा के भीतर ये चार्जिंग की ऐसी ताकत है जो हमारे मन को चार्ज कर दे, हमारे मन को रिचार्ज कर दे, हमारे मन को तैयार कर दे। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर समझने की कोशिश करना, जब तक संसार का अभाव करके आप मंदिर में नहीं गए तब तक मंदिर जाना नहीं रहता। कम से कम संसार तो छूटे, संसार तो निकले, मंदिर जाकर के भी हम संसार में व्यस्त हो, मंदिर जाकर के भी हमारे मन में संसार के विचार हो, नए जूते पहन के आए हो,
और फिर भगवान के दर्शन करने जाए, सच कहना है? टेंशन कहाँ की ज्यादा, मन में तो वही चलता रहेगा कि ऋषि हमारे लिखा गया ना कि तन टेंपल में और मन चप्पल में। अब ये भक्ति कहाँ फलेगी, कहाँ इसका फल प्राप्त होगा? और फिर हम कहते हैं गुरुदेव के पास जाकर के, ये गुरुदेव सालों से परमात्मा के पास जाते, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिलेगा। चार चीजों को छोड़ के भगवान के पास जाओगे तभी जाकर के कुछ प्राप्त होगा, तभी जाकर के कुछ हासिल होगा, उसके बिना नहीं होना, ये दिमाग में बिठा ले। पहले नंबर में क्या चाहिए? भाव। दूसरे नंबर में प्रभाव। तीसरे नंबर में हृदय का भाव, प्रभु का प्रभाव, विचारों का अभाव, और चौथे नंबर में बात करी स्वभाव। हम मंदिर क्यों जाते हैं? स्वभाव में आने के लिए। आज संसार दूसरों की चिंता में पड़ा हुआ है, दूसरों में व्यस्तता ज्यादा है आपकी, दूसरा क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसमें आपका माइंड सेट ज्यादा है। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं परमात्मा की ध्यानस्थ अवस्था, परमात्मा की ध्यानस्थ मुद्रा, परमात्मा जो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए है, परमात्मा हमें ये सिखा रहे, हमें समझा रहे, हमें बता रहे हैं कि समझ लेना, यदि तुझे कुछ प्राप्त करना है तो खुद में खोना पड़ेगा। हम दूसरों में बहुत व्यस्त है, कौन क्या करता है इसकी हमें बहुत पता है, किसके जीवन में क्या चल रहा है उसका हमें बहुत जानकारी, उसका हमें बहुत नॉलेज है, लेकिन खुद के जीवन में क्या चल रहा है उसको हमने कभी शायद सोचा नहीं। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं जहां ले जाना, क्यों? क्योंकि हम स्वभाव में आए, हम खुद को जाने, संसार को बहुत जान लिया, शिवपुरी में क्या कहां क्या चल रहा है आपको पता है, लेकिन भीतर क्या चल रहा है ये शायद हमको नहीं पता। अंदर क्या चल रहा है, हृदय में क्या चल रहा है, और मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं समझ लेना, जीवन में क्रियाएं ज्यादा मायने नहीं रखती, भाव ज्यादा मायने रखते। आज दिखावे का संसार है, लोगों को दिखावे में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। अंदर मटेरियल कुछ भी हो, आपको चाहिए पैकिंग बढ़िया हो, आपको चाहिए प्रेजेंटेशन बढ़िया हो, ऋषि चक्कर में चाइना का माल चलता है संसार में, पैकिंग बढ़िया चाहिए, मटेरियल की आपको कोई गारंटी नहीं चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन बढ़िया चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये दिखावे का संसार छोड़ो, हृदय से जुड़ने की कोशिश करो, तभी ये धर्म आपके जीवन में सही मायने में आया, समझ लेना। वरना हमने दिखावे का संसार अनेक भवों तक किया, अनेक भवों तक हम यही करते रहे, अनेक भवों तक हमारा फोकस मात्र और मात्र पैकिंग में ही रहा, प्रेजेंटेशन में ही रहा कि पैकिंग कैसा है, हमारी क्रिया कैसी है, उसके ऊपर ही हमारा फोकस रहता है। अरे शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि क्रिया का रिजल्ट 10% मिलेगा, भावों का रिजल्ट 90% मिलेगा, हृदय शुद्ध होगा तो सब अपने आप निकल जाएगा, लेकिन क्रिया आपकी शुद्ध होगी और हृदय में गड़बड़ होगा, यहाँ पे राग द्वेष भरा है, यहाँ पे कुल कपट माया भरी है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके भीतर में ईर्ष्या असूया के भाव भरे हुए है, तो समझ लेना कुछ रिजल्ट प्राप्त नहीं होना है। इसीलिए धर्म ये सिखाता है स्वभाव में आओ, खुद को देखो, भीतर में जाकर जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो यहां अंदर जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि संसार का कोई भी व्यक्ति जिनालय में जाए, मंदिर में जाए, उसके पहले चार चीजों को जरूर प्राप्त कर ले। सबसे पहले नंबर में भाव, हृदय के भाव, दूसरे नंबर में प्रभाव को जान ले कि हमारे परमात्मा का प्रभाव कौन सा है, कितना प्रभाव है उसको जान ले, तीसरे नंबर में अभाव, विचारों का अभाव करने की कोशिश करो, विचारों से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करो, और चौथे नंबर में स्वभाव में आओ, खुद के भीतर जाको, खुद के जीवन को देखो, दूसरे के ऊपर ज्यादा इतना ध्यान मत दो, हमारे भीतर क्या चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि एक चीज समझ लेना, भीतर में दिया हुआ ध्यान हमारे जीवन को बदल देगा और दूसरे के ऊपर दिया गया ध्यान हमारे जीवन को बिगाड़ देगा। अब बिगाड़ना है या बदलना है हमारे हाथ में है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिनालय हम प्रतिदिन जाते हैं, हर रोज जाते हैं, लेकिन एक बार सोच ले कि क्या ये चार चीजों के लिए हम मेहनत करते हैं, चार चीजों के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, तब तो जिनालय
जिनाले जाना हमारा सार्थक है, वरना जिनाले जाना हमारा निरर्थक है। और भवों से हमने यही काम किया है, हम क्रियाओं के ऊपर ध्यान देते गए, क्रियाओं के ऊपर फोकस करते गए, लेकिन कहीं ना कहीं हृदय के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, परमात्मा से जुड़ाव हृदय से होता है, गुरु से जुड़ाव हृदय से होता है, धर्म से जुड़ाव हृदय से होता है। यहां तो हृदय वालों का काम है, बुद्धि वालों को यहां पे कोई जगह नहीं है। संसार में आपकी बुद्धि चलती होगी, संसार में आपकी बुद्धि से आप कमाते होगे, संसार में आपकी बुद्धि से आपका नाम होता होगा, संसार में आपकी बुद्धि से आपको यश प्रतिष्ठा मिलती होगी, लेकिन ये धर्म का क्षेत्र है, यहां तो हृदय चलता है, यहां बुद्धि नहीं चलती। बुद्धि वाले कितने आए कितने चले गए कोई हिसाब किताब नहीं, लेकिन हृदय वाले को दुनिया याद रखती है, हृदय वाले को धर्म याद रखता है, हृदय वाला ही जीवंत रह पाता है। इसलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि धर्म से हृदय से जुड़ने की कोशिश करिएगा, परमात्मा से हृदय से जुड़ने की कोशिश करिए। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।